अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? होपफुली यू ऑल विल बी फाइन। एज यू नो दैट वी वर स्टडिंग द चैप्टर एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड आई हैव एक्सप्लेन मैनी ऑफ द थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, लाइक एटम इज स्ट्रक्चर, द प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ओके, वी हैव सीन ऑल दिस इन द प्रीवियस लेक्चर्स एंड आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन आंसर। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल डू एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। वी विल स्टडी अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर दिस टू टॉपिक्स इन डिटेल अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ओके, प्लीज स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स, द पेज नंबर इज 57, पेज नंबर 57। ओके, नाउ एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स? एटॉमिक नंबर, इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रोटॉन नंबर। ओके, इन केमिस्ट्री द एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो नोन एज द प्रोटॉन नंबर। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, जो नंबर आपको पता है कि प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। तो जो प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है, तो प्रोटॉन नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज द एटॉमिक नंबर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन नंबर एंड इट इज़ इंडिकेटेड और रिप्रेजेंटेड बाय जेड। ठीक है, वी रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर सिम्बॉलिकली बाय द कैपिटल लेटर जेड। ओके, यानी हम इसको सिम्बॉलिकली कैपिटल लेटर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट वे में शो करते हैं इसको। इसको प्रोटॉन नंबर कहते हैं। प्रोटॉन नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में होते हैं उनको हम काउंट करते हैं, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसी को उस एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं। वन मोर इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स, दैट ऑलवेज इन एवरी एटम ऑलवेज द नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या कहा मैंने कि हर एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, इनमें कभी कुछ भी चेंज नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। यानी किसी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होते हैं, ऑर्बिटल्स में होते हैं, राइट? सो वी कैन डिफाइन द एटॉमिक नंबर इन अनदर वे। हाउ कैन वी डिफाइन? वी कैन डिफाइन द एटॉमिक नंबर इन दिस वे, दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर। यानी जितने इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द होते हैं उसे भी हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बुक में एक ही डेफिनेशन दी हुई है, तो मैं आपको एक ही डेफिनेशन से गाइड करूँगी। ठीक है, लेकिन आपको फॉर इन्फॉर्मेशन आई हैव टोल्ड यू बोथ डेफिनेशंस, दोनों डेफिनेशन बता दिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द एग्जाम्पल्स ऑफ द एटॉमिक नंबर। ठीक है, एज ऑन द स्क्रीन यू कैन सी देयर इज एग्जाम्पल नंबर 1 इन हाइड्रोजन एटम, द एटॉमिक नंबर इज 1। वाई एटॉमिक नंबर इज 1? बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम देयर इज ओनली 1 प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम में कितना प्रोटॉन है? एक ही प्रोटॉन है, तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। ठीक है, अच्छा, कार्बन एटम में द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। 6 क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है। ठीक है, अच्छा, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, राइट? सो वी कैन सी दैट नंबर ऑफ जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, मैं आपसे बबरी कह रही हूँ, क्या है, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई, यानी नंबर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, इट्स नॉट द डिफिकल्ट थिंग। ठीक है, कि हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, और ये दो नंबर ऑफ प्रोटॉन को या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3, दैट इज अबाउट ऑक्सीजन एटम। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 8। वाई 8? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द ऑक्सीजन एटम इन द न्यूक्लियस ऑफ द ऑक्सीजन एटम आर 8। यानी ऑक्सीजन एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 8 है, इसलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भी 8 है। जबकि इसके जो अगर हम इलेक्ट्रॉन के हवाले से बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 है इसमें।
तो इसलिए इसका अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर सराउंडिंग में ऑर्बिटल्स में अपने अपने ऑर्बिटल्स में 8 हैं, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक नंबर भी 8 है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टर्म, दैट इज मास नंबर। ठीक है, आज की हमारी नेक्स्ट टर्म है मास नंबर, इसको भी स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, व्हाट इज द मास नंबर? ठीक है, एट द पेज नंबर 58 यू कैन सी देयर। ठीक है, मैं कुछ सेंटेंसेस पढ़ रही हूँ, जरा देखिएगा। ठीक है, मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ए। ठीक है, जो मास नंबर है उसको हम किससे शो करते हैं? कैपिटल ए से शो करते हैं। ठीक है, सिम्बॉलिकली वी शो इट बाय द कैपिटल लेटर ए। ठीक है, मास नंबर इज शोन बाय द कैपिटल लेटर ए। जबकि जो है इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस में क्या होता है आपको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स जो है चार्जलेस पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, वो जब हम प्लस करते हैं तो उसे हम कहते हैं मास नंबर। ओके स्टूडेंट्स, सो वी कैन यूज द फार्मूला फॉर द मास नंबर एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट्स, लाइक वी रिप्रेजेंट द मास नंबर बाय कैपिटल ए। ओके, सो वी कैन राइट द फार्मूला ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। ओके, आई एम रिपीटिंग, ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, इट मीन्स मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड दे बोथ एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ओके, और इन द अनदर वे वी कैन रिप्रेजेंट द मास नंबर एज ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। क्या है, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, वाई जेड? बिकॉज यू नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर, सो पी एंड जेड आर इक्वल। ठीक है, पी एंड जेड बोथ आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, सो द फार्मूला ऑफ मास नंबर कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, और वी कैन राइट ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, वाई जेड? बिकॉज जेड इज इक्वल टू पी। ओके, ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल ऑफ द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट, दोनों के एग्जांपल एक साथ ही देख लेते हैं। ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन की एग्जांपल है। ठीक है, अब ऑक्सीजन ओ, वी रिप्रेजेंट द ऑक्सीजन एटम एस ओ, कैपिटल ओ। ठीक है, केमिकल सिंबल क्या है इसका? सिंबल यानी शॉर्ट वे में जो हम शो करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इज द नेम, और उसको जो शॉर्ट वे में जो हम शो करेंगे इसको, दैट इज कॉल्ड एज द सिंबल। ठीक है, सिंबल कहलाता है वो, केमिकल सिंबल या सिंबल, सिंपली सिंबल। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हम कैपिटल ओ से शो करते हैं, एलिमेंट का नेम है ऑक्सीजन, और इसको हम सिंबॉलिकली वी शो इट बाय द कैपिटल ओ। ओके, एंड देन एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन इज 8। क्या है एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का? 8 लिखा हुआ है, देखें ऊपर की साइड पे लिखा हुआ है 8, एंड मास नंबर इज 15.99, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16। ठीक है, तो हम होल जो है मास नंबर जब हम लिख रहे होते हैं, हम यूज़ करते हैं, तो हम उसका पूरा होल नंबर लेते हैं, फ्रैक्शन में नहीं लेते, पॉइंट्स में नहीं लेते, वी टेक द होल नंबर। तो जब 15.99 क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 16। सो द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16, एटॉमिक नंबर इज 8, एंड मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16। ओके स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग, द ऑक्सीजन इज द एलिमेंट नेम, ओके, एंड इस सिंबल इज कैपिटल ओ, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, एंड मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16, 15.999 मीन्स 60 इक्वल टू 16। ओके, so it is the atomic number and mass number of the oxygen. Now let's move towards the next example. Next example is of helium. अब helium में देखें students, helium क्या है आपके पास screen पे नज़र आ रहा है। ठीक है, helium लिखा हुआ है helium, helium, ठीक है, helium, helium, okay? अच्छा, helium का symbol क्या है? That is he, symbol क्या है? he, right? अच्छा, what is the atomic number of helium? 2, देखें ऊपर लिखा हुआ है, arrow से show किया हुआ है, that is 2, एंड मास नंबर इज 4.003, इट मीन्स 4। ठीक है ना, दैट इज 4.003 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4। आई हैव टोल्ड यू दैट वी यूज़ द होल नंबर, हम होल नंबर यूज़ करते हैं, पॉइंट्स में यूज़ नहीं करते, होल नंबर को हम लेते हैं। तो देखिए आप उसमें एटॉमिक नंबर क्या है? 2, और मास नंबर हीलियम का क्या है? 4। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से जो है हम जो एटॉमिक नंबर जो हम शो करते हैं किसी एलिमेंट में, तो एटॉमिक नंबर अपर साइड भी शो करते हैं और जो है मास नंबर उसकी लोअर साइड पे शो करते हैं। सो इट इज़ द वे टू रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर विद द एलिमेंट। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ऑन द स्क्रीन यू कैन सी फ्यू मोर एग्जांपल्स, बहुत सारे, नॉट फ्यू, देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर।
देखें ये सारी एग्जांपल्स जो है आपके पास बुक में भी दी हुई हैं एट पेज नंबर 58 वहाँ पे भी दी हुई हैं और स्क्रीन पे भी नज़र आ रही हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देयर आर थ्री कॉलम्स आई हैव शोन इन द ऑन द स्क्रीन, एलिमेंट सिंबल और एटॉमिक नंबर, ये तीन चीज़ें मैंने शो की हैं, एलिमेंट सिंबल एंड एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब देखें एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, इसका सिंबल क्या है, एच है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका, वन, ठीक है। अच्छा हीलियम एच ई, एटॉमिक नंबर टू, कार्बन सी, एटॉमिक नंबर सिक्स, नाइट्रोजन एन, एटॉमिक नंबर सेवन, ऑक्सीजन ओ एट, फ्लोरीन एफ नाइन, सोडियम एन ए एलेवन, सोडियम इज कॉल्ड एज नैट्रियम, सोडियम का लैटिन नेम नैट्रियम है, राइट, तो इसके लिए हम उसको एन ए इसका सिंबल लेते हैं, एन ए एलेवन, मैग्नीशियम एम जी ट्वेल्व, एल्यूमिनियम ए एल थर्टीन, सिलिकॉन एस आई फोर्टीन, फॉस्फोरस फिफ्टीन, फॉस्फोरस पी फिफ्टीन, सल्फर एस सिक्सटीन, ओके स्टूडेंट्स, सो दिस ऑल आर द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट, ओके। नाउ क्लोरीन सी एल सेवनटीन, पोटेशियम के नाइनटीन, कैल्शियम सी ए ट्वेंटी, सोडियम सॉरी स्कैंडियम नॉट सोडियम स्कैंडियम 21, एस सी स्कैंडियम एस सी 21, मैंगनीज एम एन 25, एटॉमिक नंबर इज 25। ये थोड़ा सा ऐसे ही बताया आपको, ठीक है ना, फॉर इन्फॉर्मेशन बताया है, इतने सारे याद नहीं करने आपने, जिसकी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी आप वही याद करेंगे और जो मैं लिस्ट दूंगी वही याद करेंगे, इतने सारे अपने याद नहीं करने। लेट्स मूव टुवर्ड्स द टुडेज होमवर्क स्टूडेंट्स, ओके। नाउ व्हाट इज द होमवर्क फॉर टुडे, द होमवर्क इज रिलेटेड टू आवर टॉपिक, इन टुडेज होमवर्क आई एम प्रोवाइडिंग यू अ लिस्ट, ओके। व्हाट इज आई एम प्रोवाइडिंग यू अ लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक नंबर्स, एज ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर रिटन हेयर विद देयर सिंबल्स एंड देयर एटॉमिक नंबर्स, ओके। नाउ व्हाट आर द सिंबल्स स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स नेम यू नो एंड व्हाट आर द सिंबल्स स्टूडेंट्स, सिंबल्स आर द शॉर्ट नेम ऑफ द एलिमेंट्स, ओके। वी कैन रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स इन द शॉर्ट वे, इन द वी कैन रिप्रेजेंट देम विद द विद ओनली वन लेटर और विद टू लेटर्स, ओके, इन द शॉर्ट वे, सो दीज आर कॉल्ड एज द सिंबल्स, ठीक है ना। यानी जो एलिमेंट का पूरा फुल नेम है उसको हम शॉर्ट वे में एक लेटर के साथ या दो लेटर के साथ हम शो कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं सिंबल, ओके। जस्ट लाइक ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट्स यू कैन सी देयर दैट द एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स आर रिटन हेयर एंड विद एंड द एटॉमिक नंबर्स आर ऑल्सो रिटन हेयर, ओके। सो आई रीड इट, आई विल प्रोवाइड यू द लिस्ट, आई विल सेंड यू द पिक ऑफ दिस दिस वन, ओके। एंड आई एम रीडिंग द लिस्ट फ्रॉम द स्क्रीन स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स सिंबल्स एटॉमिक नंबर्स, दिस आर थ्री कॉलम्स, ओके। नाउ फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, सिंबल इज कैपिटल एच एंड एटॉमिक नंबर इज 01। सेकेंड एलिमेंट इज हीलियम, ओके, सिंबल इज एच ई, एच कैपिटल ई स्मॉल, ओके, एच कैपिटल ई स्मॉल। वेन एवर वी शो द सिंबल द फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एंड द अदर वन विल बी स्मॉल, अगर दो लेटर से हम सिंबल को शो कर रहे हैं तो हमेशा पहला कैपिटल होगा और दूसरा स्मॉल होगा और उसको हम कभी भी ज्वाइनिंग राइटिंग में नहीं लिखेंगे, वी कैन राइट देम सेपरेटली, दोनों अलग अलग होंगे, ज्वाइन करके नहीं लिखेंगे हम उसे, ठीक है। अच्छा देखिए हीलियम एच ई, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज टू, लिथियम, ओके, लिथियम एल आई, एटॉमिक नंबर इज थ्री, बेरिलियम, ओके, बी ई, एटॉमिक नंबर इज फोर, बोरॉन, ठीक है, फाइव, एटॉमिक नंबर बोरॉन बी कैपिटल बी एंड एटॉमिक नंबर फाइव, कार्बन कैपिटल सी, एटॉमिक नंबर सिक्स, नाइट्रोजन कैपिटल एन, एटॉमिक नंबर सेवन, ऑक्सीजन कैपिटल ओ, एटॉमिक नंबर एट, फ्लोरीन एफ एल यू ओ आर आई एन ई, ओके, एफ एल यू ओ आर आई एन ई, स्पेलिंग भी जरा देख लें, बच्चा से मिस्टेक करते हैं इसमें, इसलिए रिपीट कर दिया मैंने, फ्लोरीन एफ एल यू ओ आर आई एन ई कैपिटल एफ, एटॉमिक नंबर नाइन, ओके, नियॉन एन ई, एटॉमिक नंबर टेन, ओके, नेक्स्ट सोडियम एन ए, ओके, एटॉमिक नंबर इज अलेवन एंड द अदर वन इज मैग्नीशियम एम जी, एटॉमिक नंबर इज 12, एल्यूमिनियम ए एल, एटॉमिक नंबर 13, देन सिलिकॉन एस आई, एटॉमिक नंबर इज 14, फॉस्फोरस पी कैपिटल पी, ओके, एटॉमिक नंबर इज 15, सल्फर कैपिटल एस, एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन सी एल, एटॉमिक नंबर 17, आर्गन ए आर, ओके, एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम कैपिटल के, एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम सी ए, एटॉमिक नंबर 20,
These are 20 elements. Okay, students, these are 20 elements. You have to write these 20 elements in your science journals. ठीक है, तो ये 20 elements आपने साइंस जर्नल में लिखने हैं और इसकी लिस्ट बना दें. बस हेडिंग्स इतनी ही डाल दें. देर इज नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ना डालें, इसमें सिर्फ इतने हेडिंग डाल दें. एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर एंड सॉरी एलिमेंट्स सिंबल्स एटॉमिक नंबर. ओके, तो इसकी आपने ये लिस्ट इस तरह से हेडिंग वाइज करके आपने इस तरह से लिस्ट बनानी है. ठीक है, और साथ में जो है सीरियल नंबर मैंने नहीं डाले पेज पे, आप सीरियल नंबर भी डाल सकते हो. लाइक इफ 20 एलिमेंट्स हैं आपके पास तो सीरियल नंबर यानी साइड पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ठीक है, 20 नंबर्स डालते तो ये 20 एलिमेंट्स की काउंटिंग भी हो जाएगी साथ में. तो आप जो है इसको 20 एलिमेंट्स हैं, सीरियल नंबर पहले ऐड कर देगा, सीरियल नंबर, एलिमेंट्स, सिंबल और एटॉमिक नंबर. तो इस तरह से 20 एलिमेंट्स का ये आपके पास एक पूरा एक चार्ट बन जाएगा. अगर एक पेज पे ना आए देन यू कैन यूज़ द सेकंड पेज. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन यूज़ द सेकंड पेज, राइट. तो सेकंड पेज, थर्ड पेज, जितने पेज पे आए आप इसको इजीली करें, लाइन छोड़ के करें, अच्छा नीट वर्क करें. और इसको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न द एटॉमिक नंबर्स ऑफ दिस ऑल एलिमेंट्स. इसके सबके एलिमेंट्स के अपने एटॉमिक नंबर याद करने हैं. ठीक है, याद कर लेगा. आई थिंक इट्स नॉट हार्ड टू लर्न द एटॉमिक नंबर्स ऑफ 20 एलिमेंट्स. इतना मुश्किल नहीं है. थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो आप 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं. लेकिन अगर फिर भी हार्ड लग रहा है तो आप उसको पार्शियली कर लेगा, 10 पहले कर लें फिर 10 बाद में कर लीजिएगा. ठीक है, तो इसको क्या ये लर्न करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है इस टॉपिक को, बिकॉज इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल वर्क ओवर दिस टॉपिक. ठीक है ना, इसी पर हम काम करें. ओके स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक के ऊपर हम काम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. इसी के जो है ना इनकी जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, उसके ऊपर काम करेंगे. डायग्राम के लिहाज से हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, इस पर हम हाउ कैन बी डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटर्स. ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो इसके ऊपर हम काम करेंगे. तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये एलिमेंट्स के नेम और इनके एटॉमिक नंबर याद हो, ठीक है, पता हो, ताकि आपको उस वक्त जो है जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके एक्सप्लेनेशन को पिक करने में आसानी हो. ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. प्लीज़ डू द होमवर्क इन योर कॉपीज. ओके, थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़. इफ़ यू वॉन्ट एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी स्टूडेंट्स. प्लीज़ कीप योर वर्क अप टू डेट. Okay, thank you, take care, Allah Hafiz.